यूएससी में हम लोगों ने स्टार्टर ऑर्डर बना लिया, हम लोगों ने ब्लेजर ट्रेडिंग ऑर्डर बना लिया, हम लोगों ने ब्लेजर ग्रेड बना लिया, हम लोगों ने गोल्डन अपर ग्राइंड कर लिया, हम लोगों ने डायमंड ग्राइंड कर लिया, हम लोगों ने एशियन लेवल ग्राइंड कर लिया, हम लोगों ने ब्लेजर पे अलग-अलग अच्छे-अच्छे बुक्स ग्राइंड कर लिया, हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स बना लिए और फिर कई सारे प्रोग्रेस कर लिया हम लोगों ने यूएससी में। अभी तक अगर तुम लोग अपडेटेड नहीं हो गए तो पीछे के बहुत सारे वीडियो देख सकते हो जाकर के, सब में बहुत खूबसूरत तरीके से प्रोग्रेस दिखाया हुआ है। तो गाइस इतना प्रोग्रेस करने के बाद हम लोग अब यहाँ पे सेटल हो चुके हैं कि हाँ हम लोग एक प्रॉपर तरीके से नीदर एक्सप्लोर करके ब्लेज से फाइट करके ब्लेज रॉड ग्राइंड कर सके। एक्चुअली अब ब्लेज रॉड मिल जाएंगे तो हम लोग पोर्शन ऑफ हीलिंग पे ग्राइंड कर पाएंगे और वो हो सकता है कि हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सके। तो यस चलो आज का वीडियो पे वही करते हैं। घोड़ा किधर गया, क्या कर रहे हो तुम? मत चुप है भाई, मत चुप है, एकदम नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं आ गया। ये क्या था? मस्त हवा में था उसका पॉइजन, मस्त डॉज की चलो आ जा, हम कवर दे रहे हैं। सो गाइस इधर पहुंचते ही जो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना वो थोड़ा सा ग्लिच करने लगा था, आई गेस पिंग इशू की वजह से या फिर लैग इशू की वजह से। नीदर पहुंचने के बाद बहुत सारे चंक रन होने लगे जिस वजह से बहुत ही खराब क्वालिटी से ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है। आगे आने वाले बहुत सारे क्लिप्स में तुम लोग को पता चल भी जाएगा कि ऑडियो उतना अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट इस पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना यहाँ पे काफी ज्यादा बुरे तरीके से रिकॉर्ड हुआ था ऑडियो। तो दैट्स द रीजन कि मैं भी तुम लोग को थोड़ा सा स्टोरी बोर्ड में बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। तो सीन ये हुआ कि हम लोग नीदर पहुंचे, फिर प्लान किया हम लोगों ने कि यार अब ऐसे रैंडमली इधर उधर ओवर करते हैं और जहाँ पे भी हमें नीदर फोर्ट्रेस का कुछ अंश मिलेगा उधर साइड हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे। बीच में जहाँ पे भी जितने गोल्ड वोल्ड मिल रहे थे बिल्कुल माइन कर रहे थे, बिल्कुल वाई नॉट गाइस, हमें गोल्डन एप्पल की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा थी। तो दैट्स द रीजन बहुत सारा गोल्ड वगैरह रास्ते में माइन कर ले रहे थे। आगे आते आते यार यहाँ पे हम लोग को ना क्रिम्सन फॉरेस्ट मिल गया। अब क्रिम्सन फॉरेस्ट था बड़ा डरावना यार, तो फिर पावर अप करके हॉगलिन मारना हो। ए वो दौड़े दौड़े क्यों आ रहा है? अबे आ जाएगा वो हॉगलिन, मजाक नहीं। अब क्रिम्सन फॉरेस्ट इतना डरावना था ना यार कि हमारा तो हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोग क्रिम्सन फॉरेस्ट में के हो करके कोई फोर्ट्रेस खोजे। तो हम लोगों ने पाथ चेंज कर लिया और वापस से जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पोर्टल वाले कोऑर्डिनेट वहां पे हम लोग वापस आए और एकदम अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐसे रैंडमली डिग करने लगे। और सीरियसली यार मानोगे नहीं, ठीक है वो जो टनल हम लोगों ने डिग करना शुरू किया ना एकदम उस टनल के एंड पे हम लोगों को फोर्ट्रेस एक्सपेंडेड मिल गया। वी डोंट नो हाउ वी गॉट सो लकी बट यार सीरियसली बहुत अच्छा लक यहाँ पे काम किया, एकदम फटाक से यहाँ पे नीदर फोर्ट्रेस हम लोगों को मिल गया। अब नीदर फोर्ट्रेस मिला तो सही लेकिन यार वहां पे एंटर करना काफी मुश्किल था क्योंकि पूरा लावा लेक था। तो डिसाइड किया कि यार थोड़ा साइड से ऐसे नॉर्मल ब्रिजिंग करके घुसते हैं। अबे वहां तक जाएंगे कैसे? आई गेस बतौल तरफ से चलो क्योंकि इधर से जाके हमको ब्रिज करना पड़ जाएगा। अब ब्रिज करेंगे तब तक हम लोग फूकना शुरू कर देंगे। चलो आओ। ये क्या कर रहे हैं हम? भाई साहब विदर स्केलेटन तो देखो, मैं नहीं जा रहा भाई। करो स्नाइपिंग यहीं से। इतना ओ ब्लेज आ गया ब्लेज, हाँ ये वाला मार दिया भाई।
बचना, इसको मार डाउन करो। ओ मेरे भाई, बस भाई डॉच मारो इसको बे। लगा लगा लगा, आइए भाई दो दो डॉच। चले हम कवर दे रहे ना, तुम मार, चल तुम कर, हम कवर दे रहे। भाई साहब कितना बड़ा है भाई, नीचे देखो भाई, इसमें तो लूट भी मिलेगा मस्त वाला। भाई चार चार विदर के रखन वहां पे, ओ हाँ आया है आया, भाई मार देगा मेरे को, नीचे जा रहे हो। क्वाड्रेंट पे नहीं लाया, आजा इधर आजा, अंदर चलते हैं। ओ भाई अभी गिर, तुम भी गिरता। ओ अरे भाई एक मिनट लगा विदर पहले। ओ मेरे को रेस्ट नहीं करना भाई, मेरा हेल्थ फुल नहीं है अभी। को आ रहा है स्केलेटन का आवाज, ऊपर से नहीं आएगा। क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? अबे भाई मेरा नहीं गया था हेल्थ उसमें, तो इसलिए मार दिया फिर से। चलो देख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं पता, ऐसे ना ये क्या बोलता है हॉलवे वगैरह में तो आएगा ना, उसी को एक मार के एक बार लेके चलते हैं ठीक है। ऐसे बहुत रिस्की है भाई, बड़ा बड़ा ब्लॉक मार। Thank you.
अरे एक और गया, नीचे आ रहा है। अरे जी जी चल भाग भाग। अरे मिस कर दिए क्या? अरे रे मिस कर दिए यार, हमको लगा हम ले दिए। कितना रुपया ले आएंगे? चल कोई नहीं, आजा 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 आजा। अरे भाग भाग भाग। चलो निकलो घर, घर निकलो भाई। अब तो भाई मचा देंगे, बस इज्जत से घर पहुंच जाए। बस समय को इधर से डर ना मारते बस। टनल था लेकिन अभी यहाँ क्या बोलते, यहाँ से फोर्ट्रेस से बाहर निकलने तक तो था ना ओपन रास्ता। ये आ गए जिंदा लौट आए इधर से। नहीं तो मेरे को चैलेंज कंप्लीट होगा मेरा। ये विलेजर लोग रीसेट क्यों नहीं कर रहे? वाटर बॉटल बनाओ, वाटर बॉटल। हाँ मेरे पास बहुत सारे नीदर वॉट। ये मैं पीऊंगा। Cheers भाई, ओपी है ये, यही तो चाहिए। तो भाई अब तो हेल्थ एनी टाइम फुल रहेगा भाई, क्या ही ओपी पोशन है ये। फुल हेल्थ हो गया भाई, फुल हेल्थ हो गया। कितने टाइम बाद फुल हेल्थ देख रहे हैं ना। यही निपटा रहे हो तुम। हेड में नहीं मारेंगे भाई, मर मर जाओगे। अरे भाई सही में क्या भाई, मेरे को भी ट्राई करना तो मारो मेरे को। और मारो बस, हो गया। और नहीं हो गया। अबे हो गया हो गया हो गया। भाई अबे मेरा अभी 2.5 आर्ट है ठीक है। और अब हो गया 1, 2, 3, 4। हाँ 4 हार्ट भरा भाई। लो और बनाओ और बनाओ और बनाओ। हाँ मेन गेम ही तो क्रैक हो गया पूरा गेम। खत्म ग्वेस्टी खत्म, जाओ घर जाओ। ग्वेस्टी खत्म, बंद करो, हो गया। अब बीकन लाएंगे भाई, फायर रेजिस्टेंस और ये लेके जाएंगे, बीकन लाला के रख देंगे, फिर कोई टेंशन है नहीं। नीदर बोर्ड देना।
ट्रिप हमारे तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और गाइस काफी बड़ा प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, ये जो पोर्शन ऑफ हीलिंग है वो हमें 4 हार्ट का हेल्थ अपग्रेड देता है, जिससे यार काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब हम लोग बेडरे बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, तो आई गेस नेक्स्ट वाले में आयरन फार्म पे वर्क करेंगे। बाकी यार अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं इसके नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।